हाय, आपका फिर से स्वागत है। मैं राकेश नायक और आज हम स्टैक का और एक एप्लीकेशन देखने वाले हैं, जिसमें कि हम एक एक्सप्रेशन वेल पैरेंथेसाइज है या नहीं उसको चेक करें। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि इस चैनल में हम हर एक वीडियो दो डिफरेंट लैंग्वेज में प्रोड्यूस करते हैं, हिंदी और इंग्लिश। अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, काइंडली फॉलो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हम स्टैक क्या है, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, उसका ऑपरेशंस क्या क्या है, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और इस वीडियो में एक एक्सप्रेशन वेल पैरेंथेसाइज है या नहीं उसको हम चेक करने वाले हैं। अगर आपने स्टैक के ऊपर मेरा पहले वाले वीडियोस नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, काइंडली फॉलो कीजिए। द चेकिंग ऑफ वेल फॉर्म पैरेंथेसिस जो एक सब्जेक्ट है, इसको हम एक एक्सप्रेशन के साथ जोड़ते हैं। कोई एक एरिथमेटिक एक्सप्रेशन अब दिया रहता है तो हम ब्रैकेट्स यूज करते हैं, फ्लावर ब्रैकेट्स यूज करते हैं या फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। तो ये प्रॉपरली यूज्ड किया गया है या नहीं इसको चेक करने के लिए ये वीडियो है। तो बेसिकली हम करते क्या है, हम ये जो फ्लावर ब्रैकेट स्टार्टिंग हुआ है तो फ्लावर ब्रैकेट एंड हुआ है नहीं, ये फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट है तो स्टार्ट ब्रैकेट एंड है कि नहीं, ये स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट है और स्क्वायर ब्रैकेट एंड है कि नहीं, ये एक्सप्रेशन करने के लिए ये पेयर जो है प्रॉपर ऑर्डर में आते हैं या नहीं, ये एक एक्सप्रेशन को मीनिंग देते हैं या नहीं उसको चेक करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई एक एक्सप्रेशन दिया है 5+6। शुरू करते वक्त हम फर्स्ट लेफ्ट ब्रैकेट से शुरू किए और एंड करते वक्त हम राइट कर्ली ब्रैकेट में एंड किए, इसका मतलब ये वेल पैरेंथेसाइज्ड नहीं है। सिमिलरली यहां पर, तो यहां पर देखिए एक एक्स्ट्रा लेफ्ट ब्रैकेट है, यहां पर देखिए एक एक्स्ट्रा राइट कर्ली ब्रैकेट है, तो ये भी वेल पैरेंथेसाइज्ड नहीं है। यहां पर बीच में एक एक्स्ट्रा राइट ब्रैकेट आ गया है तो ये भी वेल पैरेंथेसाइज्ड नहीं है। तो कोई भी एक्सप्रेशन अगर दिया है तो उसको हम ये वीडियो में वेल पैरेंथेसाइज है या नहीं चेक करने वाले हैं। कोई भी एक एक्सप्रेशन वेल पैरेंथेसाइज है या नहीं उसको जानने के लिए दो चीजें करने पड़ते हैं। फर्स्ट तो है इक्वल नंबर ऑफ राइट पैरेंथेसिस के लिए इक्वल नंबर ऑफ लेफ्ट पैरेंथेसिस है या नहीं। सेकेंडली एवरी राइट पैरेंथेसिस के लिए लेफ्ट पैरेंथेसिस है कि नहीं, ये दोनों अगर हम चेक कर लिए तो ये एक्सप्रेशन वेल पैरेंथेसाइज है या नहीं पता चल जाएगा। तो एक सक्सेसफुल या फिर एक इक्वेशन अगर वेल पैरेंथेसाइज है तो क्या करने वाले हैं ये पहले समझ लेते हैं। एक एक्सप्रेशन दिया है, एक्सप्रेशन को हम लेफ्ट टू राइट स्कैन करने वाले हैं। अगर जब कभी भी एक लेफ्ट पैरेंथेसिस आएगा उसको हम पुश करेंगे और जब कभी एक राइट पैरेंथेसिस आएगा ये स्टैक से हम पॉप करके स्कैन एलिमेंट के साथ मैच करेंगे। ये अगर ये मैच हो जाता है और ये आखिर तक चला जाता है, स्टैक भी एम्प्टी हो जाता है, तो ये एक वेल पैरेंथेसाइज एक्सप्रेशन है। तो देखिए हमारा फर्स्ट कैरेक्टर लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट है, पुश कर दिए, नेक्स्ट कैरेक्टर में आए, नेक्स्ट कैरेक्टर लेफ्ट फर्स्ट ब्रैकेट है तो इसको भी पुश कर दिए, नेक्स्ट कैरेक्टर एक वैल्यू है 3, कुछ करना नहीं है, नेक्स्ट कैरेक्टर एक ऑपरेटर है प्लस, इसमें भी कुछ करना नहीं है, नेक्स्ट कैरेक्टर ए वैल्यू है 5, इसमें भी कुछ करना नहीं है, नेक्स्ट कैरेक्टर एक राइट पैरेंथेसिस राइट फर्स्ट ब्रैकेट है, तो क्या करेंगे इसको लेके आएंगे और टॉप ऑफ द स्टैक से हम एलिमेंट को लेके जाएंगे। ये दोनों मैच हो गए तो कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्कैंड एलिमेंट है ऑपरेटर माइनस, यहां पर भी कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट कैरेक्टर है 9, इसमें भी कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट कैरेक्टर में जाएंगे तो एक राइट लोअर ब्रैकेट या फिर कर्ली ब्रैकेट है तो इसको लेके आएंगे और टॉप ऑफ द स्टैक से पॉप करेंगे।
ये दोनों भी मैच हो गए, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक वेल पैरेंथेसाइज्ड एक्सप्रेशन है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो यहां पर एक अनसक्सेसफुल केस देखते हैं जिसमें कि हम पॉप तो करेंगे राइट कर्ली ब्रैकेट, लेकिन उसका मैचिंग का लेफ्ट ब्रैकेट हमको नहीं मिलने वाला है। देखिए कैसे, हम स्कैन किए तो फर्स्ट कैरेक्टर लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट आ गया, उसको हम पुश कर दिए। नेक्स्ट स्कैन एलिमेंट है लेफ्ट फर्स्ट ब्रैकेट, उसको भी हम पुश कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। नेक्स्ट कैरेक्टर है 3, यहां पर कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट कैरेक्टर है एक ऑपरेटर प्लस, उसमें भी कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट कैरेक्टर है 5, इसमें भी कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट कैरेक्टर है राइट कर्ली ब्रैकेट, यहां पर राइट कर्ली ब्रैकेट को लेके आएंगे और टॉप ऑफ द स्टैक्स से हम पॉप करेंगे। तो देखिए ये मैचिंग नहीं हुआ, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये वेल पैरेंथेसाइज्ड नहीं है। और एक केस देखते हैं जिसमें कि स्टैक में कुछ एक एलिमेंट बाकी है और हमारे एक्सप्रेशन के लास्ट तक हम आ गए हैं, तब भी हम कहेंगे कि ये एक्सप्रेशन वेल पैरेंथेसाइज्ड नहीं है। कैसे, ये देखिए, हम स्कैन करने के लिए आए, फर्स्ट कैरेक्टर लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट, इसको हम पुश कर दिए। सेकेंड कैरेक्टर में आए लेफ्ट फर्स्ट ब्रैकेट, इसको भी हम पुश कर दिए। नेक्स्ट कैरेक्टर 3, कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट कैरेक्टर ऑपरेटर प्लस, कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट कैरेक्टर है 5, कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट कैरेक्टर है राइट फर्स्ट ब्रैकेट, तो इसको लेके आएंगे और टॉप ऑफ द स्टैक से हम पॉप करेंगे। ये दोनों मैच हो गए। अब देखिए टॉप ऑफ द स्टैक में लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट है और नेक्स्ट कैरेक्टर जब आएंगे तो ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी एंड हो चुका है, तो इसका मतलब पुश या पॉप या कुछ भी करने के लिए नहीं है, लेकिन टॉप ऑफ द स्टैक में कोई एक एलिमेंट है, तो तब भी हम ये कहेंगे कि ये एक्सप्रेशन वेल पैरेंथेसाइज्ड नहीं है। तो और एक केस देखते हैं जबकि ये स्टैक तो खाली होगा लेकिन एक्सप्रेशन फिर भी बाकी रहेगा, तब भी हम कहेंगे कि ये एक्सप्रेशन वेल पैरेंथेसाइज्ड नहीं है। देखिए कैसे, यहां पर फर्स्ट कैरेक्टर लेफ्ट फर्स्ट ब्रैकेट पुश कर दिए, नेक्स्ट कैरेक्टर है 3, कुछ भी करना नहीं है। नेक्स्ट कैरेक्टर है प्लस, अब भी कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट कैरेक्टर है 5, अब भी कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट कैरेक्टर है राइट फर्स्ट ब्रैकेट, तो इसको अगर लेके आएंगे टॉप ऑफ द स्टैक से हम पॉप किए, ये दोनों मैच हो गया, इसलिए कुछ भी करना नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर है राइट फर्स्ट ब्रैकेट, अगर राइट फर्स्ट ब्रैकेट है लेकिन टॉप ऑफ द स्टैक जो है -1 को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब स्टैक जो है एम्प्टी है, तो ये एक्सप्रेशन भी हम ये कह सकते हैं कि वेल पैरेंथेसाइज्ड नहीं है। तो आपको जो बेसिक आइडिया है कैसे हम चेक करने वाले हैं कोई एक एक्सप्रेशन वेल पैरेंथेसाइज्ड है या नहीं, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसका प्रोग्राम सेगमेंट देखते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं फ्लैग इक्वल टू 1 कर लेते हैं, फ्लैग इक्वल टू 1 लेंगे अगर ये एक्सप्रेशन वेल पैरेंथेसाइज्ड है, नहीं तो चेक करते रहेंगे कब 0 हो रहा है, अगर 0 हो गया तो बाहर निकल आएगा और लिखेगा कि ये वेल पैरेंथेसाइज्ड नहीं है या फिर इनवैलिड एक्सप्रेशन है। एक वेरिएबल ले लिए i इक्वल टू 0 और यहां पर एक स्ट्रिंग को हम एक्सप्रेशन को हम रीड किए, इसको चेक करने के लिए एक लूप ले लिए फॉर i इक्वल टू 0 स्ट्रिंग लेंथ तक, अगर लेफ्ट फर्स्ट ब्रैकेट आया या फिर लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट आया या फिर लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट आया, उसी कैरेक्टर को हम स्टैक में पुश कर देंगे। अगर राइट ब्रैकेट राइट फर्स्ट ब्रैकेट आया या फिर राइट कर्ली ब्रैकेट आया या फिर राइट स्क्वायर ब्रैकेट आया, और तब भी हम ये देख रहे हैं कि टॉप ऑफ द स्टैक -1 है, इसका मतलब स्टैक खाली है, तो हम फ्लैग को 0 कर देंगे, बाहर आ जाएंगे। अगर ये केस नहीं है, इसका मतलब एक कोई ना कोई एलिमेंट है ये स्टैक में, तो उसको पॉप करेंगे और उसको टेम्प में लिखेंगे। अगर मान लीजिए जो कैरेक्टर हमको मिला राइट फर्स्ट ब्रैकेट है,
लेकिन ये टेम्प में हमको लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट या फिर लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट मिलता है, तभी भी हम इस फ्लैग को जीरो करेंगे और बाहर आ जाएंगे, ब्रेक कर लेंगे। और ये जो ऑप्शन है और बाकी दो केसेस के लिए भी है। सिमिलरली हमको एक कैरेक्टर मिला लेकिन ये टॉप ऑफ द स्टैक ग्रेटर देन जीरो है, हम एंड में आ चुके हैं लेकिन टॉप ऑफ द स्टैक ग्रेटर देन जीरो है, तभी भी हम फ्लैग को जीरो करेंगे और बाहर आ जाएंगे। जब फ्लैग इक्वल टू जीरो होता है तो इनवैलिड एक्सप्रेशन लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक वेल पैरेंथेसाइज्ड एक्सप्रेशन नहीं है। अगर फ्लैग इक्वल टू वन होता है तो ये वैलिड एक्सप्रेशन या फिर एक वेल पैरेंथेसाइज्ड एक्सप्रेशन है। आशा करता हूं कि पैरेंथेसिस कैसे चेक करते हैं आपको समझ में आया होगा, साथ ही साथ ये एल्गोरिदम और एग्जाम्पल भी समझ में आया। अगर आपको अच्छा लगा तो आप थम्स अप दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगले वीडियो में स्टैक का और एक एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।